नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों, ये वीडियो किसी भी क्रिकेट फैक्ट या अपडेट को लेकर नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश में फैले इस महामारी को लेकर, और हम कोशिश करेंगे हमारे 2,75,000 लोगों के परिवार तक एक खास मैसेज पहुंचाने का, ताकि देश के हित में हम अपना योगदान दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को गौर से समझेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोरोना जैसी महामारी की शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान शहर से, और ये हुआ था दिसंबर में। और दोस्तों, दिसंबर के महीने में यानी कि खतरनाक कोविड-19 वायरस का जन्मदाता चाइना ही है। और खबरें तो ये भी निकल कर आ रही हैं कि ये चाइना की कोई साजिश है जिसमें वो खुद फंस चुका है। लेकिन दोस्तों, सच क्या है कोई भी नहीं जानता। और एक के बाद एक इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। जहां पर दोस्तों भारत में अगर बात की जाए तो इस खतरनाक वायरस के सबसे ज़्यादा मामले केरल और महाराष्ट्र में हैं, जहाँ पर आप हर स्टेट के आंकड़े देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और इन आंकड़ों में दोस्तों 19-20 फर्क हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े दोस्तों हम दैनिक भास्कर की ऑफिशियल साइट से आपको बता रहे हैं, जिसमें दोस्तों अब तक 598 मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। और दोस्तों, केवल ये तीसरा ही हफ्ता है इस महामारी का, जहां पर दूसरे हफ्ते तक 100 से भी नीचे हमारे देश में पेशेंट्स की जो संख्या थी। लेकिन दोस्तों, तीसरे ही वीक के अंदर यहां पर संख्या आप देख सकते हैं कि किस तरह से बढ़ चुकी है। और दोस्तों, ये 22 तारीख से लॉकडाउन होने के बाद की स्थिति है। सोचिए, अगर ये लॉकडाउन कुछ दिन और नहीं होता तो फिर क्या हाल होता। तो जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि अगर इस वायरस ने अपनी जड़ें जो है वो भारत में फैलाना शुरू कर दिया तो हम गिनते पागल हो जाएंगे, इतनी लाशों के अंबार लग जाएंगे। और इस समय इटली, जो कि अपने मेडिकल सुविधाओं में नंबर 2 पर आता है और जिसकी आबादी भी महज 8 से 10 करोड़ लोगों की है, उसने भी दोस्तों इस वायरस के आगे हाथ खड़े कर दिए हैं। और उनके पास तो दोस्तों पूरी सुविधाएं मौजूद हैं। और उनके देश में भी इस वायरस की वजह से अभी तक करीबन 6 से 7 हज़ार मौतें हो चुकी हैं और करीबन 60,000 केस जो हैं वो इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। और दोस्तों, उनके प्रधानमंत्री ने भी कह दिया है कि हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, हमने सारे जतन करके देख लिए, अब हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। तो दोस्तों, इतना तो साफ है कि अगर प्रकृति से कोई छेड़छाड़ करेगा तो ऊपर वाला उसे माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों, भारत की आबादी करीब 1.3 बिलियन है, तो अगर आप जो है वो अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो प्लीज़ घर के अंदर ही रहें इन 21 दिनों तक। भूल जाइए कि बाहर भी कुछ होता है। और अभी भी अगर दोस्तों आपने लापरवाही की तो भारत एक और रिकॉर्ड पूरी दुनिया में कायम कर देगा, और दोस्तों वो होगा इस वायरस से सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या का। क्योंकि दोस्तों, भारत के पास उतने साधन नहीं है कि वो इतने लोगों को इलाज दे सके, और इतने अस्पतालों में इतने बेड भी नहीं है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत में वेंटिलेटर्स की संख्या भी कुल 1.5 लाख ही है। तो ऐसे में उसके बाद सिचुएशन कोई भी नहीं संभाल पाएगा। तो गाइज, मैं देख रहा हूँ कि लोग इस लॉकडाउन के बाद भी सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है, अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन आखिर कितनी गंभीर है। तो भाई लोगों, कुछ नहीं रखा, अपने PM का साथ दो और घर में रहो, और यही अपील करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है, ताकि जितने भी लोगों तक मैं ये मैसेज हमारे प्रधानमंत्री का पहुँचा सकूँ और देश के हित में एक छोटा सा योगदान दे सकूं। आप भी देश के हित में एक छोटा सा योगदान दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक एक ये मैसेज पहुंचाएं। जो भी आपको बाहर घूमता हुआ नज़र आए उसको, उसकी सूचना जो है वो पुलिस को दें, ताकि पुलिस फिर अपने हिसाब से उसको घर पे बैठाए। और दोस्तों, प्लीज़ अपने घर में ही रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और अगर आप भविष्य में अपने परिवारों को, अपने नाती पोतों को खेलते हुए देखना चाहते हैं तो आपको इन 21 दिनों तक अंदर ही रहना होगा। जहां पर दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अगर इन 21 दिनों में आप अगर नहीं संभले तो हमारा देश जो है वो 21 साल पीछे चले जाएगा। और प्रधानमंत्री के जो सारे प्रयास हैं वो सारे के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे और पूरी की पूरी मेहनत जो है वो पानी में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अभी भी वक्त है, समझ जाइए और घर के अंदर रहिए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।